बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और हॉट अदाकारा कटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म में कटरीना कैफ फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी को हाल ही में पोस्टपोन कर दिया गया है। इसकी वजह है कोरोना वायरस। बता दें कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भर में महामारी मची हुई है, जिसकी वजह से ये लगातार फैलता ही जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से ये फिल्म टाल दी जा चुकी है। बता दें एक बड़ी फिल्म का ऐसे टाल देना उसके बिजनेस पर भारी असर डालेगा। 24 मार्च को रिलीज होने वाली सूर्यवंशी अब इस दिन रिलीज नहीं होगी, इसकी जानकारी खुद अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया से दी। साथ ही पूरी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की थी कि फिल्म रिलीज को पोस्टपोन किया जा रहा है। इस बात में रोहित शेट्टी ने कहा कि ये तो होना ही था, हम फिल्म को पोस्टपोन करने का लंबे समय से सोच रहे थे, बस सही दिन और सही वक्त का इंतजार था। फिल्म का टलना ही सभी के लिए बेहतर है। इसके अलावा जब रोहित से पूछा गया कि फिल्म की डेट आगे बढ़ने से परेशान है, तो उन्होंने बताया कि हम दुखी नहीं है, फिल्म तो आ ही जाएगी, लोगों की सेफ्टी पहले आती है। अब जब इतने सारे सिनेमा हॉल को बंद करने का आदेश दिया जा रहा हो, ऐसे समय में फिल्म को पोस्टपोन करना ही बेहतर फैसला था। बता दें कि सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की कॉप सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इससे पहले वो सिंघम, सिंघम 2 और सिम्बा बना चुके हैं। सिंघम और सिंघम 2 में रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ और सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ काम किया है। तीनों ही फिल्मों ने सभी का दिल जीत दिया था। अब सूर्यवंशी में रोहित शेट्टी फिर वही कमाल दिखाने को एक बार फिर तैयार है। चर्चा है कि सूर्यवंशी में तीनों स्टार साथ में नजर आएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।